हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कल्पना लोमी व्लॉग्स में एक नए तड़कते भड़कते व्लॉग के साथ। तो ठीक है, सो आज मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मेरा ना रोज का स्ट्रगल था कि मिड डे में, स्पेशली जब घर के अंदर में इंटीरियर में शूट करती थी, चाहे कितना भी लाइट जला लो, दिस वॉज द प्रेजेंटेशन ऑफ द फेस एंड द एम्बियंस। ठीक है, अब देखना, सी द मैजिक। ठीक है, एक सेकेंड, दिस हैज टू बी सरप्राइज। ओह माय गॉड, ये मेरा चेहरा इतना चमक क्यों रहा है? ये इतना ज्यादा तेज चमक कहां से आ रही है? मैं इतनी चमक कैसे रही हूं? सो यस, दिस इज माय ब्रांड न्यू रिंग लाइट जो आपने देखा था। ठीक है, जो मैंने मंगाया था। सो यार, ये इतना ज्यादा हेल्पफुल है ना मेरे लिए। जस्ट सी, ये सॉर्ट ऑफ मेरे को अच्छी सी ग्लो भी दे रहा है, प्लस ऐसा लग भी नहीं रहा कि मैं अंदर शूट कर रही हूं। एंड ऑल्सो इट कम्स विद डिफरेंट शेड्स, सो दिस इज लाइक ग्लोइंग, दिस इज लाइक ब्लू ब्लू ग्लोइंग, एंड दिस इज दिस इज नाइस, दिस इज वार्म, दिस इज लाइक सेक्सी वाला, मतलब यू नो लाइक, हाँ अच्छा यार, ये मतलब इसका अलग ही इफेक्ट है। सी नाइस, ऐसे आना चाहिए ना मेरे फेस पे। सो आप देख पा रहे हैं, ये येलो, ये वार्म लाइट है, ये ब्राइट लाइट है, ये ब्लू ब्राइट लाइट है, दिस इज नाइस, अच्छा है। सो ये देखिए, अब ये मेरा हैंडी रिंग लाइट रहता है हमेशा। ठीक है, इसका रिंग लाइट के साथ ट्राईपॉड भी है, लेकिन मैंने अलग से एक और ट्राईपॉड ले लिया है, बिकॉज इसके साथ यू नो स्ट्रगल रहता है कैमरा ना, थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो अलग से ट्राईपॉड ले लिया है मैंने, सो दैट रिंग लाइट अलग से लाइट आए और कैमरा में कहीं और भी प्लेस कर सकूं, क्योंकि इसके साथ तो कैमरा यहीं पर रखना पड़ेगा, बट अलग से अगर ट्राईपॉड ले लो तो फिर कैमरा कहीं पे भी रख सकते हो, लाइट भी वहां से पड़ सकती है। सो दिस इज इट। ठीक है, सो आपको कल्पना हमेशा ऐसे ही चमकते हुए चेहरे के साथ दिखाई देगी, शी विल ऑलवेज वॉक लाइक दिस। तो चलिए अब हम करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। ऑल्सो मैं रिंग लाइट यूजली तभी यूज करती हूँ जब मैं कुछ क्रिएट कर रही होती हूँ, अगर मैं कोई कुकिंग व्लॉग बना रही हूँ, ठीक है, या मैं कोई गेट रेडी विद मी शूट कर रही हूँ, कुछ ऐसा कुछ शूट कर रही हूँ, तब मैं इसको यूज करती हूँ। ठीक है, सो आज वही कुछ होने वाला है। आज एक कुकिंग वीडियो मैं क्रिएट करने वाली हूँ, ठीक है, कुकिंग शॉर्ट में बनाने वाली हूँ, और मेरा हाथ दुख गया ऐसे पकड़ पकड़ के, सो मैं ऐसे हैंडी करके ना पाँव में ऐसे हाथ रख रही हूँ। हाँ, सो आज एक कुकिंग शॉर्ट्स बनाने वाली हूँ मैं, नॉट व्लॉग, ठीक है, कुकिंग शॉर्ट। तो ये रहे पॉपकॉर्न, ठीक है, तो मैं पॉपकॉर्न के साथ आज कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। तो मेरे पॉपकॉर्न का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप जाके देख सकते हैं मेरे शॉर्ट्स में, मेरे चैनल के अंदर शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, यहाँ पे भी मैं दे दूंगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा, तो आप वहां पे क्लिक करना, आपको मेरा शॉर्ट दिख जाएगा। क्या है, एक तो बिल्लियों ने परेशान कर दिया यार, थोड़ी देर इस लाइट पे बात करते हैं। सो चलिए मैं अपना कुकिंग शॉर्ट बना लेती हूँ पॉपकॉर्न का, आप जाके देख लेना कि मैंने क्या किया था, क्या बनाया था, एंड यहाँ पे मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी कि फाइनली वो बना कैसा है, और प्रोसीजर और पूरा का पूरा रेसिपी देखना है तो जाइए शॉर्ट्स में। ओके बाय गाइज, मेरा एक्सपेरिमेंट टोटली फ्लॉप, ठीक है, आप शॉर्ट्स में जाके देखना कि मैंने क्या किया था। सो ऐसा भी नहीं है पूरा फ्लॉप नहीं हुआ, मतलब 60% सक्सेसफुल है, ठीक है, लेकिन ये नीचे देखो, ये नीचे काफ़ी जल भी गए हैं। सो आप शॉर्ट्स में जाके देखना कि मैंने क्या बकैती करी है यहाँ पर, क्या एक्सपेरिमेंट किया है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब मैं उसमें मैं एक चीज़ नहीं डालती ना, अगर सिर्फ एक चीज़ तो शायद ये जलता नहीं, उसी एक चीज़ की वजह से ही जला है पूरा। पर चलो एनीवे, कोई बात नहीं, इसको आप टेस्ट करते हैं। तो ये रहे मेरे जले हुए पॉपकॉर्न, ठीक है, अब इसको मैं टेस्ट करती हूँ। आई टोटली फ्लॉप्ड द एक्सपेरिमेंट, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग, मतलब मैं कभी दोबारा नहीं करूंगी, करूंगी भी तो सिर्फ एक उस चीज को हटाऊंगी जो मैंने डाला था, उसके अलावा करूंगी, शायद अच्छा बनेगा। जाके शॉर्ट्स देखिए कि मैंने क्या ब्लंडर किया था। सो आज मुझे सब्जी बनाने का टास्क मिला है, ठीक है, मम्मी बाहर गई थी तो ये आलू उबाल के रखे हैं, सो अभी मैं आलू छील रही हूँ और उसके बाद बनाऊंगी मैं आलू के गुटके। अब जल्दी से आलू छील लेती हूँ, इससे पहले मम्मी आए और डांट मारे कि अभी तक काम नहीं करा है तूने, मेरे बिना तो इस घर में कुछ होता ही नहीं है, मैं एक दिन के लिए भी घर से बाहर चले जाऊँ तो पूरा रूटीन बिगड़ जाता है, पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता है इन लोग का, मेरे बिना क्या करेंगे ये लोग, विच इज़ वेरी ट्रू गाइज, विच इज़ वेरी ट्रू। एक माँ के बिना घर अधूरा है यार, कम्प्लीटली, मतलब एक माँ के बिना घर पूरा का पूरा खाली है, इट्स इनकम्प्लीट विदाउट अ मदर।
एंड जहाँ माँ नहीं होती हैं तो वो घर कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाता है जैसा हुआ करता था। मुझे अभी अभी सोचो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मतलब यू नो ज़्यादा नहीं 24 साल की, लेकिन अभी भी मतलब ना घर आती हूँ कहीं से या फिर जैसे नींद से सो के उठती हूँ दोपहर को और बाहर निकली कमरे से और मम्मी नहीं अगर आसपास, तो आई स्वेयर मैं लिटरली मम्मी को ढूंढती हूँ सबसे पहले। इंस्टाग्राम में ऐसे आते भी है वीडियोस माँ माँ करके, और मेरे साथ एक्चुअली ऐसा ही होता है, उठते अगर मम्मी नहीं दिखे तो मम्मी 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 यहाँ वहाँ मतलब पूरा घर के बाहर इधर उधर देखूंगी कहाँ है करके, जब तक दिख नहीं जाती, दिख जाती है तब आड़े गए। तो मतलब वो आज भी होता है, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ ना, चाहे आप 50 साल के क्यों ना हो जाओ, मम्मी 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 तो रहता ही है। गोली को भी आवाज लगाओ, भारी गोली ले। सी गाइस, पापा का डेली का रूटीन है, जैसे घर आते हैं घर आते ही इन सबको आवाज लगाते हैं एंड देन खाना देते हैं, और ये अब बिल्कुल गोली और अब इनमें कोई अंतर नहीं रह गया खास, जैसा गोली है वैसे ये भी है, बस इतना ही अंतर है कि गोली अंदर रहता है बिकॉज वो डे वन से है, उसको हमने इंजेक्शन लगाए थे, इनको नहीं है, बट दे हैव देयर प्लेस वहाँ पे सोने के लिए। और सर्दियों में हम इनको पीछे साइड शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पे एक पीछे साइड एक स्टोर रूम टाइप है खाली, तो वहाँ उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी है बाबा लोग, इसको भी खाना। हाँ गाइस, सी हु इज माई स्लीपिंग पार्टनर फॉर टुडे, फाइनली माई बेबी इज स्लीपिंग विद, ये छूना नहीं हुआ इसको, फाइनली माई बेबी इज स्लीपिंग विद मी, सॉरी 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 सॉरी, वो बेटा मैं अब बच्चा है, इसके साथ सोने के लिए मुझे यहाँ लवी का बिस्तर हथियाना पड़ा क्योंकि यहीं सोता है।